कच्ची है गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। सबसे पहले मैं पूरे देश भर की महिलाओं को, क्या कल इंटरनेशनल वुमेंस डे है तो सभी महिलाओं को इंटरनेशनल वुमेंस डे की ढेर सारी बधाइयां, और साथ साथ में ये संदेश देना चाहूँगी, वुमेंस डे हर दिन है। अगर हर दिन हम अपना अपने अंदर एक ज्वाला लेके और अपने आप देश की प्रगति में हिस्सा बनाएं, तो मुझे लगता है कि हम हर रोज इंटरनेशनल वुमेंस डे बना सकते हैं। खाली हमें 8 मार्च के सिंबल की ज़रूरत नहीं है, और महिलाएं आज के टाइम में किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, बल्कि पुरुषों से ज़्यादा आगे हैं। बल्कि पुरुषों को ज़्यादा टेंशन होने लग गई है कि महिलाएं इतनी आगे निकल रही हैं। तो मुझे खुशी है कि हमारा देश बदल रहा है, आगे निकल रहा है, महिलाओं की भागीदारी आगे निकल रही है। और मैं सभी महिलाओं से अपील करना चाहूँगी, आपके इस के माध्यम से कहना चाहूँगी कि सभी महिलाएं आगे बढ़ें और एक नए समाज की कल्पना करते हुए अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सही शिक्षा दें, और आने वाले देश के योगदान में उस पीढ़ी को कैसे खड़ा करना है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो मैं सभी महिलाओं से अपील करती हूँ, सभी गर्ल्स से अपील करती हूँ कि इंटरनेशनल वुमेंस डे हम हर रोज़ मनाएं। हमारे अंदर वो क्षमता है, वो शक्ति है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वाकई में महिला सशक्तिकरण कर दिया है मोदी जी ने। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मोदी जी ने हर छोटे छोटे से बच्चे को समझा दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे महिलाओं का सम्मान करना होता है। यही जो हमारी आने वाली पीढ़ी सीख रही है, यही मैसेज सब चरित्र देखिएगा, आने वाले भारत का एक अलग ही स्वरूप होगा, एक अलग ही कल्पना होगी कि वाकई में भारत में महिलाओं का स्थान बहुत ऊँचा है।